बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो आप ट्वेल्थ क्लास का प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमको टर्म्स से ज़्यादा उसके एनालिटिकल एक्सप्रेशन को समझना है, उसके सेट थ्योरेटिक नोटेशन को समझना है और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर को। यहाँ पर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या। तो दिस इज एक्चुअली द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट का ये क्या है पॉसिबिलिटी है, जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं। एंड पीई द वैल्यू ऑफ पीई ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1। इफ पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0, दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस इज श्योर इवेंट। ये क्या है? श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास आउटपुट्स कितने हैं और जो हमारे पास जो जिसका वैल्यू निकालना है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, मान लिया एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वन इंड इज योर फ्रंट इज हेड तो अदर फ्रंट इज टेल, मान लिया ये टेल है, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या हो गया 2। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड इस दो में से क्या है एक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस इज 1। तो ये रेशियो जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज ए बाय बी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इट मींस प्रोबेबिलिटी of A when B has already occurred। B अगर हो चुका है तो A का probability क्या होगा, तो इसको find out करने के लिए हम क्या लिखेंगे, this is equal to probability of A intersection B divided by P B, where always remember P B is not equal to 0, बिकॉज डेनोमिनेटर 0 होगा, दैट मीन्स पी ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने सेट पढ़ा है तो सेट में जो भी आपके पास कार्डिनल नंबर के लिए रूल थे, फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कार्डिनल नंबर के लिए जो रूल थे उसको हम प्रोबेबिलिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पर हटाकर इसको प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, इसको हटाकर हम यहाँ पी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम भी पी लिख सकते हैं और यहाँ पर पी। तो जो कार्डिनल नंबर के लिए रूल था वो प्रोबेबिलिटी के लिए भी अप्लीकेबल है एंड यू कैन अप्लाई दिस, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। अ क्वेश्चन, लेट पी ए इज इक्वल टू 7/3, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए लेट पी ए इज 7/3, पी बी इज 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13 लेट। This is given information and you have to calculate probability of A by B, that means probability of A when B has already occurred, then apply the formula PA intersection B divided by PB, P
PA intersection B, this is 4 by 13 and PB is here 9 by 13. That means 4 by 13, 13 by 9, this is cancel out, that means 4 by 9. ये भी ध्यान रखना है हमेशा आपको कि प्रोबेबिलिटी अगर वो अकर कर रहा है तो आपके पास जो वैल्यू होना चाहिए दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इम्पॉसिबल है तो 0 होगा, अदरवाइज ये वैल्यू इस रेंज में आना चाहिए. आप आंसर निकाले और अगर आपको आंसर 1 से बड़ा है तो दैट मीन्स यू हैव टू चेक, आप देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये अगर इक्वल है दैट मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट. एंड फॉर डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. तो हम लोग जान रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है. तो इंडिपेंडेंट के लिए ये एक्सप्रेशन है, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है पी ए बाई बी, ए एंड बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी. ये आपके पास, एंड यू नो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इफ इवेंट्स आर योर इंडिपेंडेंट. तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. तो पी बी आपके पास कैंसिल हो गया, तो दिस इज पी ए, यानी हम बोल सकते हैं पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए. दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी विल बी दिस, एंड इफ इवेंट इज डिपेंडेंट तो दिस विल बी नॉट इक्वल. Here this question is based on probability distribution. So probability distribution पे question है. Here find the probability distribution of number of heads when 3 coins are tossed. So you have to first write the sample space. This is head tail tossing one coin, again head tail, again head tail. तो देखिए number of sample space will be 2 into 2 into 2. That means this is equal to 8. तो सैंपल स्पेस हम लिखते हैं यहां पर, दिस इज सैंपल स्पेस. तो देखिए फर्स्ट हेड 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 हेड, फिर देखिए हेड हेड टेल हेड हेड टेल, फिर सेकंड टेल टेल टेल, दिस इज टेल 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 हेड, देखिए टेल टेल हेड टेल टेल हेड. ओके नेक्स्ट हेड टेल हेड हेड टेल हेड, नेक्स्ट टेल हेड टेल टेल हेड. दिस इज हियर सैंपल स्पेस एंड हियर हेड 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 टेल 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 हेड टेल टेल हेड एंड हियर टेल 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 एंड हेड टेल हेड tell head tell and tell head 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 tell tell. This is the sample space. Now let x denotes, let x denotes, x is any number, denotes the number of heads in 3 tosses, denotes the number of heads in 3 tosses. तीन बार जो टॉस किया गया है तो वो हेड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ पी एक्स जीरो, दैट मींस नो हेड. तो नो हेड देखिए किसमें है, नो हेड
टेल 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 में ही है, बाकी सब में हेड है, यहाँ भी हेड है, हेड 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 हेड, दैट मीन्स दिस इज 1/8 सैंपल स्पेस, दिस इज फेवरेबल एंड टोटल सैंपल स्पेस 8, दिस इज 1/8। और इसमें क्या आपके पास आया पी, तो कौन सा लिए हम, टेल 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 को कंसीडर किए हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 1/8। नाउ प्रोबेबिलिटी इफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हियर 1 हेड, तो 1 हेड देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो 1 हेड देखिए किसमें किसमें है, 1 हेड आपके पास हियर एंड हियर एंड हियर, तो ये आपके पास 3 है, दैट मीन्स यू कैन राइट 3/8, तो ये आपके पास 3 ही कंडीशन मिल रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड कॉमा टेल हेड टेल कॉमा हेड टेल टेल, यू कैन ऑल्सो राइट दिस वे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज 3/8। नेक्स्ट PX2 दैट मीन्स 2 हेड, इसका मतलब था नो हेड, इसका क्या मतलब था प्रोबेबिलिटी नो हेड, इसका मतलब हो गया 1 हेड एंड हियर इट मीन्स 2 हेड, दो हेड वाले को कंसीडर कीजिए, दैट मीन्स हियर प्रोबेबिलिटी दिस वन एच एच टी, नेक्स्ट एच टी एच एच टी एच, नेक्स्ट टी एच एच टी एच एच, दिस इज अगेन दिस इज 3/8 एंड नेक्स्ट हियर एक्स इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 हेड, तो 3 हेड वाला देखिए एक ही कंडीशन है, हेड हेड हेड, दैट मीन्स यू कैन राइट हेड 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 एंड दिस इज हियर अगेन 1/8। नाउ यू कैन फॉर्म द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस इज हियर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस इज एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस, इन फर्स्ट केस 0 हेड, सेकेंड 1 हेड, 2 हेड एंड 3 हेड, दिस इज px, px इज द प्रोबेबिलिटी, तो जो कि अभी हम लोग निकाला है px 0 आपके पास कितना आया था, दिस इज 1/8, 1 के लिए हमने देखा था दिस इज 3/8 और 2 के लिए भी 3/8 और 3 के लिए 1/8, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर, px द सम ऑफ px दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, दैट मीन्स 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो देखिए दिस इज हियर 8/8, दैट मीन्स दिस इज 1, इट इज वेरीफाइड, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द लेक्चर विल बी इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।